क्लास एट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या होता है मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो एक्सप्रेशन में बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो हो ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें तीन हो मीन्स आपको यहाँ ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें से आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी मोनोमियल है कौन सी बाइनोमियल है कौन सी ट्राइनोमियल है ठीक uh, है विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज और ऐसा कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो इन तीनों में फिट नहीं होते तो चलिए देखते हैं जैसे ये फर्स्ट वन है x प्लस वाई कितनी टर्म्स हैं दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स किस में आएंगी बाइनोमियल में ठीक है दो टर्म्स किसमें आएंगी पाइनोमियल में नेक्स्ट हमारा दे रखा है थाउजेंड एक ही टर्म है एक ही टर्म किसमें आएगा मोनोमियल में फिर नेक्स्ट क्या दिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स फोर कितनी हो गई वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये ना तो मोनोमियल है बाइनोमियल है ट्राइनोमियल तीनों नहीं है ये किस में आएगा पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज तो हम इसको कहाँ पर लिखेंगे उसी कैटेगरी में लिखेंगे जहाँ पर फिट नहीं होती क्या है ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारी सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स कितनी टर्म्स हुई वन टू थ्री टर्म्स हुई थ्री टर्म्स है तो किस में आएगा ट्राइनोमेल में आएगा थ्री है ना तो सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स नेक्स्ट है टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर देखिए कितनी टर्म्स है टू टर्म्स है टू टर्म्स है मीन्स किस में आएगी किसमें आएगा बाइनोमियल में क्या लिखा है टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर नेक्स्ट है हमारे यहां टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई क्यूब कितनी टर्म्स हुई वन टू थ्री टर्म्स थ्री टर्म्स हैं तो किसमें आएगा ये हमारा ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल तो में हम लिख देंगे तो इसी तरह से हम क्या करेंगे सभी टर्म्स देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे अब ये हमारे यहाँ फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री एक्स वाई कितनी हो गई वन टू एंड थ्री मीन्स ट्राइनोमियल फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री एक्स वाई ठीक है फिर नेक्स्ट है फोर जेड माइनस फिफ्टीन जेड स्क्वायर कितनी टर्म्स हुई टू टर्म्स हैं तो टू टर्म्स हम यहाँ पे लिख देंगे बाइनोमियल में फोर जेड माइनस फिफ्टीन जेड स्क्वायर नेक्स्ट है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कितनी हो गई वन टू थ्री फोर किस में आएगी ये पॉलिनोमियल दैट डू नॉट फिट क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ठीक है अब नेक्स्ट है हमारी पी क्यू आर पी क्यू आर क्या है एक ही टर्म है सिंगल टर्म तो किस में आएगा मोनोमियल में पी क्यू आर नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर देखिए कितने टर्म्स हैं टू टर्म्स हैं तो हम किस में लिखेंगे बाइनोमियल में पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वेयर, नेक्स्ट है टू पी प्लस टू क्यू टू टर्म्स मीन्स बाइनोमियल ठीक है तो इस तरह से हमें इसको क्लासीफाई करना था बोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल दैट डू नॉट फिट